से जो है लखनऊ से आज मैं पहली चीज जो आपको दिखाऊंगी वो है रूमी दरवाजा। गाइस रूमी दरवाजा तो आपने देख लिया, अब इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं। तो रूमी दरवाजे की फिल्म जो शूटिंग हुई थी वो थी गदर मूवी, जो कि हम सबकी फेवरेट है। उस साइड से इसको कहा जाता है रूमी गेट और इस साइड से कहा जाता है रूमी दरवाजा। अगर आप इसको चारों तरफ ध्यान से देखते हैं तो अजीमुल्ला खान जी ने इसमें एक बहुत ही बेहतरीन पहेली छुपाई है। वो ये है कि इसमें दो पहनने की चीजें और एक खाने की चीज है। क्या आप उस चीज को गेस कर पाए हैं? अगर नहीं तो एक बार बैक स्किप करके फिर से देखिए, और अगर आपको जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में मैं इसका जवाब आपको जरूर दूंगी। और अगर आपने गेस कर लिया तो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस लखनऊ शहर को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। गाइस अब हम लोग आ चुके हैं बड़े मामपाड़े के ठीक सामने। पीछे आप मेरे ट्रेन के देख सकते हैं इसमें इसकी बेहतरीन नक्काशी की गई है। गौर फरमाएं। गाइस बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ का मुख्य ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह शहर संस्कृति और समृद्धि का विरासत प्रतीक है। इसका निर्माण 1784 में अकाल राहत परियोजना के तहत कराया गया था और इसको बनवाने वाले आसिफुद्दौला साहब थे। ये लखनऊ के चौथे नवाब थे और यहाँ पर इनकी कब्र है, जिसके कारण इसे आसफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर लोगों को भ्रम में डालने वाले रास्ते भी हैं, जिसके कारण इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। गोमती नदी के किनारे स्थित बड़ा इमामबाड़े की वास्तुकला ठेठ मुगल शैली को प्रदर्शित करता है, जो कि पाकिस्तान में लाहौर की बादशाही मस्जिद से काफी मिलता जुलता है। इसके अलावा इस परिसर में दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी मस्जिद है, जहां पर गैर मुस्लिमों का जाना सख्त मना है, पर यह देखने में बिल्कुल दिल्ली के जामा मस्जिद की तरह दिखती है, इसीलिए इसे लखनऊ की जामा मस्जिद भी कहा जाता है। गाइस आप देख सकते हैं इमामबाड़े के अंदर आते ही सबसे पहले एक बड़ा सा गार्डन देखने मिलता है, जो कि कितना खूबसूरत है वो तो आपने भी देखा। और ये है हमारे इमामबाड़े के अंदर जाने के लिए दूसरा मेन गेट। तो चलिए अंदर की तरफ। अब हम लोग आ चुके हैं मेन गेट से अंदर और आप देख सकते हैं ये हमारे सामने मेन बिल्डिंग है, जिसको हम लोग बड़ा इमामबाड़ा कहते हैं। अंदर जाते तरफ ये हमारे राइट हैंड पे ये वही मस्जिद है जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रही थी। ये देखने में बिल्कुल दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह दिखता है और दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत गार्डन बना हुआ है, जिसका रखरखाव बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं मेन बिल्डिंग की तरफ और अंदर जाके यहाँ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। गाइस जैसे ही नाम से पता चल रहा है ये है इमामबाड़ा, जहाँ पर की जाती है इबादत, तो यहाँ अंदर जाने के लिए आपको जूते जरूर उतारने पड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ अपने शूज वगैरह रिमूव करके। गाइस आप ये जो ग्रीन बॉक्स देख रहे हैं इसे मिंबरे रसूल कहा जाता है, हिंदी में इसे सिंहासन कहते हैं, जिसपे धर्मगुरु बैठ के धर्म की जानकारी देते हैं। गाइस ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये 1923 की है, जब यहाँ पर बाढ़ आ गई थी बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से। गाइस अब हम लोग चल रहे हैं ईरानी हॉल की तरफ। ईरानी हॉल 165 फीट लंबा, 55 फीट चौड़ा और 60 फीट इसकी ऊंचाई है।
दरगाह की तरफ। जो आप ये सामने दरगाह देख रहे हैं, ये मोहम्मद साहब के बड़े नाती इमाम हुसैन की दरगाह है, जो कि ईरान में ओरिजिनल है, पर वहाँ हर कोई नहीं जा सकता, इसके लिए यहाँ पर इसकी कॉपी बनाई गई है, लोग आकर यहाँ पर इबादत कर सकते हैं। गाइज आपने सुना होगा लखनऊ में पहली मुहर्रम पे मोम की जरी निकलती है, आप देख सकते हैं ये ताजिया है, इसे लकड़ी पेपर और मोम से बनाया जाता है। बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक जुलूस लेके जाया जाता है और साल भर तक यहाँ पर रखा जाता है और दूसरे साल उसे दफना दिया जाता है। गाइस ये जो ताजिया आप देख रहे हैं, ये चंदन की लकड़ी से बना के रखा गया है, ये बादशाह के समय का है और समय समय पर इसकी रिपेयरिंग की जाती रहती है। गाइस आज से 1400 साल पहले गाड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जो गॉड ऑफ मैसेंजर्स थे वो घोड़ा या हाथी पे चलते थे। गाइस इमाम हुसैन साहब के पास भी एक घोड़ा था जिसका नाम था दुलदुल, जिसकी याद में वो घोड़ा रखा जाता है। और जिस समय पे इराक करबला में 72 लोगों को कत्ल किया गया था, तब इस बेजुबान जानवर को भी वहाँ पर कत्ल कर दिया गया था। गाइस ये आसफ़ुद्दौला साहब की कब्र है, जिनके साथ उनकी बेगम नूर जहान की भी कब्र है। कहा जाता है आसफ़ुद्दौला साहब चाहते थे जब हम मरें तो हमारी कब्र इमामबाड़े के अंदर बने, ताकि जब तक इमामबाड़ा रहे उनका नाम रहे। यहाँ पर जब भी कोई आता है तो उनके लिए दुआ ज़रूर मांगता है। अब हम लोग चल रहे हैं चाइना हॉल में। अब इसे चाइना हॉल क्यों कहा जाता है? एक बार बादशाह चाइना गए थे, जहां से वो अपने लिए बर्तन का सेट लेके आए थे। उन बर्तन की खासियत यह थी कि अगर उसमें कोई जहर मिला दे तो वह अपना रंग बदल देते थे। इसी कारण से बादशाह को वो बर्तन अपने बहुत अच्छे लगते थे और उन्होंने कारीगरों की मदद से इस पूरे हॉल में अपने बर्तनों को डेकोरेट कराया है। गाइज़ अब हम लोग आ चुके हैं ईरानी हॉल में, आप देख सकते हैं ये ईरानी हॉल में ये ट्रेन हुआ बना हुआ है, ये कैंडल स्टैंड लटक रहे हैं क्योंकि उस समय लाइट नहीं होती थी, तो कैंडल्स की हेल्प से उस टाइम रोशनी की जाती थी। आप जो शीशे देख रहे हैं ये बेल्जियम ग्लास है, जिसको अखरोट की लकड़ी से फ्रेम किया गया है, जिसकी वजह से ये आज तक ख़राब नहीं हुए हैं। इस पूरे हॉल में कोई भी पिलर, कोई भी खंभा नहीं है जो सपोर्ट दे। आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। गाइस यहाँ से हमारी शुरू हो रही है भूल भुलैया, पर भूल भुलैया के आसपास का नज़ारा भी देख लीजिए, क्या बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। गाइस भूल भुलैया में एंटर करते ही सबसे पहले हम लोगों को 45 सीढ़ियाँ गिन के चढ़नी पड़ती हैं। गाइस ये सीढ़ियाँ चढ़ के अब हम लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, अब हम लोग जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। आइए चलते हैं नीचे की तरफ। गाइस 1857 में जब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने हमला किया था, तो बादशाह ने यहाँ से अपने आवाम के लोगों को निकाल दिया था। ये वो सुरंगें हैं जो दिल्ली, आगरा, फैज़ाबाद, कलकत्ता की तरफ जाती हैं, और उसके बाद इन सुरंगों को हमेशा के लिए बंद करा दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर अंग्रेज़ आए तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। ग
गाइस जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हर दूसरे कोने पे चार रास्ते मिलेंगे, जिसमें से तीन गलत और एक सही है। वो एक सही को पहचानना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इस जगह का नाम है भूल भुलैया। गाइस अब हमारे दाहिनी तरफ आ रहा है एक झरोखा, जिसमें से हम लोगों को मेन गेट दिखता है। शायद कैमरे की वजह से आपको नज़र ना आए, पर खुली आंखों से ये ज़रूर दिखाई देता है। ये 930 फीट है मेन गेट, जहाँ से हम लोगों ने एंटर किया था। गाइस आज तक आपने सुना होगा दीवारों के कान होते हैं, पर यहाँ पर दीवारों की जुबान भी है, क्योंकि इस भूल भुलैया को ऐसा बनाया गया है कि अगर आप इसमें कुछ खुसुर फुसुर भी करते हैं तो आपकी बात साफ सुनाई देती है। आखिर ये भूल भुलैया और बड़े मामबाड़े का निर्माण हुआ कैसे? तो गाइस आज से कई सौ साल पहले यहाँ लखनऊ में अकाल पड़ गया था, जिसके कारण से इस इमामबाड़े और भूल भुलैया का निर्माण कराया गया। इसको बनने में लगभग 11 साल का समय लगा था। इन 11 सालों में गरीब लोग दिन में इसे बनाते थे और अमीर लोग इसे रात में गिराते थे, क्योंकि अमीर लोग गवारा नहीं था कि वो गरीब के साथ बैठ के काम करें। इसीलिए नवाब साहब ने उन्हें रात में काम दिया कि आप इस बिल्डिंग को रात में गिराएं और गरीब लोग दिन में इसे बनाएंगे। गाइस पहले के समय में ईटा, सीमेंट, बालू का चलन नहीं था, जिसके कारण तब के लोग खाने पीने की चीज़ों से घर बनाया करते थे, बिल्डिंग बनाया करते थे। तो आखिर ये इमामबाड़ा किन किन चीज़ों से मिलके बना है? तो उसमें है उड़द की दाल, मलका की दाल, माश की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, गुड़, गन्ने का रस, बेल का शरबत, चुरकी, चूना, सिंघाड़े का आटा और अंडे का मिश्रण करके इस पूरी बिल्डिंग को बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये कितनी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि इतने सालों बाद भी ये अपने पैरों पे खड़ा है। गाइस मैंने आपको झरोखे से मेन गेट दिखाया था, जो कि 930 फुट था। आप देख सकते हैं मैं आपको सेकंड फ्लोर से वही गेट दोबारा दिखा रही हूँ, और ये साइड में बनी जामा मस्जिद की कॉपी है। आप देख सकते हैं इसे कितनी बेहतरीन तरीके से रखा गया है और इसकी साजो सज्जा कितनी बेहतरीन तरीके से की गई है। गाइस अब आप सामने एक गैलरी देख रहे हैं, 330 फीट लंबी है और 2.5 फुट चौड़ी है। जब ये बिल्डिंग बनके तैयार हुई थी तो इंजीनियर का कहना था कि ये बिल्डिंग 6-7 साल में गिर के ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में भार होने की वजह से ये बिल्डिंग ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी। तब ये खांचे काट के बनाए गए थे ताकि बिल्डिंग का भार कम किया जा सके। इस भूल भुलैया को बनाने के लिए ईरान से इंजीनियर को बुलाया गया था, जिनका नाम था सफेदुल्ला। गाइस अब हम लोग आ चुके हैं इमारत की छत पे, देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है ये जगह, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ से बहुत ही बेहतरीन नजारा दिखता है सामने, आइए पास से दिखाते हैं। ये आपको सफ़ेद वाली जो मस्जिद दिख रही है, इसे टीले वाली मज़ार कहते हैं, और जो ये मेन गेट है इसे हवा महल की कॉपी कहा जाता है। गाइस अब हम लोग नीचे की तरफ चल रहे हैं और सेकेंड फ्लोर की मुंडेर पे चलते हैं, जहाँ से भी बेहतरीन नज़ारे दिखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। गाइस हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह है, कितनी खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है। ये देखिए मुगल और हिंदू वास्तुकला का कितना बेहतरीन मिश्रण है, ये कितनी बड़ी जगह है। गाइस ये उस समय की कारीगरी का बेहतरीन नमूना है, जो खाने पीने की चीज़ों से इतनी बेहतरीन शानदार कलाकारी की गई है।
चलिए चलते हैं बाहर की तरफ और इस इमारत से बाहर निकलते हैं। गाइस अब हम आ चुके हैं बाहर की तरफ और दाहिने हाथ पे बनी बावली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं। गाइस अब हम लोग आ चुके हैं बावली के मेन गेट पे, तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। गाइस हम लोग बावली के एंट्रेंस पे हैं और कहा जाता है ये बावली 7 खंड की है, 4 पानी के नीचे 3 पानी के ऊपर। ये 1771 में गोमती नदी से अटैच करके बनाई गई थी ताकि जब इमामबाड़ा का निर्माण शुरू हुआ तो यहीं से पानी की पूर्ति की जाती थी। गाइस आइए आपको दिखाते हैं दुनिया का पहला CCTV पानी वाला कैमरा। आप देख सकते हैं सामने पानी भरा हुआ है, जाल में ताला बंद है, हम पास नहीं जा सकते हैं। कहा जाता है इस पानी से अंदर जो लोग हैं वो हमको देख सकते हैं, पर हम लोग यहाँ से किसी को नहीं देख सकते। इसे कहा जाता है चोर दरवाज़ा, ताकि अंदर जो है वो हमें देख पाए और बाहर के लोग उसे नहीं देख सकते। अब हम लोग गैलरी के रास्ते से होते हुए अंदर की तरफ चल रहे हैं। गाइस इस बावली का निर्माण भी उन्हीं सब खाने पीने की चीजों के साथ हुआ, साथ ही इसमें एक और चीज लगाई जिसको हम लोग कहते हैं लकौड़ी की ईंटें। गाइस आप देख सकते हैं ये इतना पुराना स्ट्रक्चर आज भी टिका हुआ है। लाजवाब है उन कारीगरों का काम। गाइस हम लोग जिस एंट्रेंस गेट से आए थे आप वहां का रिफ्लेक्शन यहां पानी में देख सकते हैं, इसीलिए इसको पहला CCTV कैमरा कहा जाता है। नवाब साहब अपनी सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क रहते थे और अगर उनका दुश्मन आता था तो वो यहीं से तीरंदाजी के द्वारा उसको मरवा देते थे। उनके तीरंदाज का नाम शाह जफर था। चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे की तरफ। गाइस अंग्रेजों ने जब यहाँ पर हमला किया था तो नवाब साहब के जो खजांची थे जिनका नाम था मेवरलाल रस्तोगी, वो इस कुएं में खजाने का नक्शा और चाबी लेकर कूद गए थे। कहा जाता है इस कुएं में बहुत सारे अंग्रेज साइंटिस्ट वगैरह गए जिनका आज तक कुछ पता नहीं है, पर उस खजाने की चाबी या नक्शा आज तक किसी को नहीं मिला। खजाना आज भी अपने देश में, पर कहाँ किसी को पता नहीं। गाइस चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। अगर आपको ये दुनिया का पहला CCTV कैमरा देख के अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं बावली के बाहर। गाइस इस वीडियो में आपने देखा बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया और बावली। आई होप सो आपको ये देख के अच्छा लगा। अगर आपको भी है हिस्ट्री से प्यार तो हमारे इस ब्लॉग को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई होप सो गाइज आपको हमारा ये टूर व्लॉग अच्छा लगा। अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिसका नाम है Travel247। ऐसी ही बेहतरीन जगह घूमने के लिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट टूर व्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।